हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्नो रिव्यू हिंदी। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आर्डुइनो में कैसे कोड अपलोड किया जाता है, आर्डुइनो का बोर्ड का सेटअप देखेंगे तो, और आर्डुइनो आईडी कैसे डाउनलोड होता है। ये ट्यूटोरियल एकदम बेसिक आर्डुइनो का ऊपर है। इसके बाद हम लोग ये चैनल में और अच्छा अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट बनाएंगे और आर्डुइनो प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, तो रेगुलरली इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट का वीडियो देखने के लिए ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग जानेंगे आर्डुइनो कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। तो प्रोग्रामिंग करने के पहले हम लोग को एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका नाम है आर्डुइनो आईडी। तो चलिए आर्डुइनो आईडी कैसे डाउनलोड करते हैं देख लेते हैं। तो पहले गूगल में आप सर्च कीजिए आर्डुइनो आईडी। यहाँ पे जो फर्स्ट सर्च रिजल्ट दिखा रहा है यहाँ पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आर्डुइनो का जो लेटेस्ट वर्जन है यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे विंडोज के लिए हम डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे विंडोज इंस्टॉलर और विंडोज एक्सपी एंड आप। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करने को बोल रहा है, यहाँ पे आप कर लीजिए जस्ट डाउनलोड। तो यहाँ पे डाउनलोड होगा, ये करीब 100 MB के आसपास है। तो यहाँ पे मेरा आर्डुइनो आईडी डाउनलोड हो गया है, हम इसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, आप डाउनलोड फोल्डर में जाके उसको डबल क्लिक करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यस प्रेस कर देते हैं, आई एग्री, नेक्स्ट। यहाँ पे आप जहाँ पे रखना चाहते हैं, हम सी ड्राइव में इसको रखने देते। अभी ये इंस्टॉल होगा। यहाँ पे दिखा है कुछ ड्राइवर इंस्टॉलेशन के लिए, तो यहाँ पे इंस्टॉल कर दीजिएगा, यहाँ पे इंस्टॉल कर दीजिए। ये सब यूएसबी ड्राइवर है, कंप्लीट हो गया है, इसको क्लोज कर दूंगा। अभी हम लोग आर्डुइनो का जो लोगो है डेस्कटॉप में उसको डबल क्लिक करेंगे और आर्डुइनो सॉफ्टवेयर आईडी सॉफ्टवेयर को खोलेंगे। अलाउ एक्सेस कर दीजिए। तो ये आर्डुइनो का सॉफ्टवेयर खुल गया है। तो इसके बाद हम एक तो आर्डुइनो यूनो यूएसबी के साथ कनेक्ट करेंगे। ये हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे आपका आर्डुइनो का पोर्ट कितना नंबर पोर्ट में है यूएसबी का। तो यहाँ पे माय कंप्यूटर में दिस पीसी में जाइए, राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद मैनेज में जाइए। मैनेज में जाने के बाद यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में जाइए। ये पहले बार ही करना पड़ता है, हर बार कनेक्ट करने से ऐसा नहीं करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको कौन पोर्ट में आर्डुइनो का जो यूनो बोर्ड हम लगाए हैं कौन सा पोर्ट में है। यहाँ पे देखिए पोर्ट्स में है, यहाँ पे आर्डुइनो यूनो कॉम 3, ये हम लोग का ज़रूरत होगा, कितना नंबर पोर्ट में है ये हमको ज़रूरत होगा। अभी ये बंद कर दीजिए, यहाँ पे काम नहीं, हम लोग जान गए हैं मेरा आर्डुइनो यूनो कॉम पोर्ट 3 में है। हम लोग फिर चला आता है आर्डुइनो आईडी सॉफ्टवेयर में, तो यहाँ पे पोर्ट हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टूल्स में जाइए, पोर्ट में जाइए और यहाँ पे कॉम पोर्ट 3 आर्डुइनो यूनो सिलेक्ट कर दीजिए। और आर्डुइनो बोर्ड हमको सिलेक्ट करना, कौन सा बोर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम नैनो करेंगे, आर्डुइनो नैनो करेंगे तो यहाँ पे नैनो करना पड़ेगा। और अदर आर्डुइनो से जो बोर्ड प्रोग्रामिंग होता है जैसे नोड एमसीयू, वो नोड एमसीयू का बोर्ड अलग से ऐड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ये आता है, ये जब करेंगे तो बोर्ड हमको यहाँ पे सिलेक्ट करें, हम लोग का बोर्ड है यहाँ पे आर्डुइनो यूनो, तो हम लोग यहाँ पे आर्डुइनो यूनो डिफ़ॉल्ट है, आर्डुइनो यूनो ही रहता है डिफ़ॉल्ट, सिलेक्ट कर देंगे। तो दो चीज़ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना ज़रूरी है, एक कॉम पोर्ट, दो
कौन सा बोर्ड आप यूज़ कर रहे हैं। हम लोग उनो कर रहे हैं, यूनो, और नैनो करेंगे तो नैनो करेंगे, तो यहाँ पे उनो रहने देंगे। अभी है यहाँ पे है प्रोग्रामिंग लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सी से प्रोग्रामिंग लिखना पड़ता है, लेकिन हम लोग प्रोग्रामिंग लिखना नहीं जानते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे प्रोग्राम आर्डुइनो का जो प्रोजेक्ट है उसका प्रोजेक्ट में जो कोड रहता है, दिया हुआ रहता है, वहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकता है और अपलोड कर सकते हैं। तो हम लोग एक सैम्पल कोड ये आर्डुइनो में डाल के देखेंगे। तो सैम्पल कोड ब्लिंक है यहाँ पे, बेसिक यहाँ पे देखिए ब्लिंक है। तो यहाँ पे जो कोड है यहाँ पे लिखा हुआ है पिन मोड एलईडी बिल्ट इन LED, मतलब बिल्ट इन LED कौन सा पिन में लगाया हुआ है, 13 नंबर पिन में लगाया हुआ है, क्योंकि 13 नंबर पिन में एक ठो रेजिस्टेंस भी रहता है, और कोई पिन में आपको LED लगाना है तो एक ठो 220 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा के फिर लगाना पड़ेगा, नहीं तो 5 वोल्ट से आप 3 वोल्ट का LED जलाइएगा तो LED जल जाएगा। तो 13 नंबर पिन में ऐसे लगाया हुआ है एक ठो LED, तो हम लोग 13 नंबर पिन में डायरेक्ट LED लगा के देख सकते हैं। ये प्रोग्राम ऐसे लिखा हुआ है जो 13 नंबर पिन को ऑन और ऑफ करेगा। तो ये हम अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए एक ठो राइट और यहाँ पे एक ठो एरो का साइन है, ये एरो का साइन में क्लिक कर दीजिए। तो ये अपलोडिंग होगा, पहले कंपाइलिंग होगा उसके बाद अपलोडिंग होगा। तो यहाँ पे अपलोडिंग हो गया है, यहाँ पे देखिए अपलोडिंग डन दिखा रहा है। अभी यहाँ से देख सकते हैं जो मेरा जो 13 नंबर पिन में जो LED है वो ब्लिंक कर रहा है, 1 सेकंड बाद जल रहा फिर बंद हो जा रहा। तो हम लोग का प्रोग्राम अपलोड ठीक से हो गया है।